हेलो दोस्तों, आज मैं खेल रहा हूँ ग्रीनी चैप्टर 3 और आज हम इसके पढ़ने वाले हैं ट्रेन स्केप। तो आज मैं हल्के बन के खेल लूँगा और वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी गेम प्ले वीडियो आपके लिए लेता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं ट्रेन स्केप करूँगा तो एक काम करते हैं, उसका खोलता हूँ और चलो मैं हल्के बन जाता हूँ ताकि ग्रेनी या ग्रैंडपा जो भी ये सामने आए मेरे सामने बच्चा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंकाल पड़ा है और बाकी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ। अच्छा बात यह है जो कि ग्रैंडपा अकेला है, आज हल्के अकेले ही ग्रैंडपा की चटनी बना देगा। ठीक है, उसको जल्दी जल्दी खोलता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। ग्रेनी काफ़ी दिन से इस गेम के अंदर नहीं है, पता नहीं क्या बात हो चुकी है, या ग्रेनी काफ़ी इस शहर को छोड़ चली गई या घर को छोड़ चली गई है। ये बीच बीच में हल्का अपना गायब होता रहेगा, ठीक है, ताकि इसके अंदर पावर आती रहेगी। तो पहले इसको ड्रॉ खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो भाई इसके अंदर कुछ नहीं है और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। एक सेकेंड मैं बाहर चल के देखता हूँ, कार के पीछे डिग्गी में मुझे वेपन की मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, और वेपन की मिल जाएगी तो मैं हल्के को एक सेकेंड। यहाँ पर कुछ नहीं भाई, और ऊपर भाई घर के ऊपर तो कुछ नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं। भाई ये ग्रैंडपा बुड्ढा आ चुका है, ग्रैंडपा बुड्ढा ये हल्के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। मैं थोड़ा पीछे हट रहा हूँ और अभी मैं हल्के का पावर नहीं यूज कर रहा हूँ, ये तो ग्रैंडपा बुड्ढे कैसी कैसी कर देता। ठीक है, मैं इसको मारूंगा अभी तो उसके गन से ही, कैसे भी करके ग्रैंडपा का शॉटगन छीनना पड़ेगा मुझे। तो उसका शॉटगन जब तक उसके पास है तब तक मेरे पास उतनी पावर नहीं रहेगी, वो शॉटगन मार देगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं ग्रैंडपा का शॉटगन छीनने वाला हूँ और ग्रैंडपा मेरे को कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से मुझे वेपन की ढूंढना पड़ेगा जिससे हम ग्रैंडपा को मार सकते हैं। तो वेपन ग्रैंडपा को मारने के लिए मुझे स्टोन की कलेक्ट करना पड़ेगा और क्रॉसबो की ज़रूरत पड़ेगी। स्टंगन नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ ये मिल चुका है वेपन की सिंग सूट, हाँ ये वेपन की मिल चुका है। चलो ये भी ड्रॉवर चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा। ये तो फायरवुड है, हो गया मेरे ख्याल से इतना ही मिलेगा। चलो ग्रैंडपा के कमरे में जाके देखते हैं, और उसके कमरे में भाई वेपन की रखा होगा। चलो उसके कमरे में जाते हैं और उसके बाद उसका ग्रैंडपा को मार के उसका शॉटगन छीन लेंगे, और इस शॉटगन से ना मैं कॉबर को मारूंगा। तो पहले इस ग्रैंडपा, भाई ये तो ग्रैंडपा सो रहा है, एक सेकंड इसका शॉटगन उठाने पहले इसको ही मारते थे। ठीक है, ग्रैंडपा टपक पड़ा है और भाई ये हाँ वेपन की है, तो इसको मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर यूज करने के बाद भाई एक सेकेंड यूज कर लेता हूँ, अब मैं इसको फेंक देता हूँ। अभी ये ले लेता हूँ एक सेकेंड, हाँ शॉटगन। अब ये शॉटगन का पहले ड्रॉवर खोल के चेक कर लेता हूँ क्या मिलेगा। भाई कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पे वो पेडलॉक की है, पेडलॉक की अभी नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। चलता हूँ कौवे को मारने के लिए, क्योंकि काला कौवा जो है ना वो कुछ आइटम लेके बैठता है, तो उस आइटम को मुझे लेना पड़ेगा। और उससे पहले इस ड्रॉवर को चेक कर लेते हैं कि इस ड्रॉवर के अंदर क्या है, तो जल्दी चेक कर लेते हैं क्या है। तो कुछ नहीं, चलो चलते हैं छत के ऊपर, इसको जल्दी जल्दी खोलते हैं। इसको खोलने के बाद मुझे चलना पड़ेगा छत के ऊपर। तो वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी गेम प्ले वीडियो आपके लिए लेता रहूँगा। तो अभी मुझे यहाँ से सीढ़ी चलना पड़ेगा, ठीक है, सीढ़ी ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं सीढ़ी चढ़ के छत के ऊपर जा रहा हूँ और मुझे छत पे कौवे को मारना पड़ेगा। तो फिलहाल के मुझे कौवे के पास मैं पहुँच चुका हूँ, आज कौवा का कुछ आइटम लिया रहेगा तो उसको ज़रूर मारूंगा। ठीक है, क्या लेके बैठा है, पहले कौवा को मारूंगा। सीढ़ी लेके बैठा भाई, एक सेकंड, पहले मैं शॉटगन नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। इसको ड्रॉप करने के बाद ठीक है नीचे लगाया, और ये सीढ़ी की मैं लेके चलता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ से आज के छत के जो रूफ टूटा हुआ अपना यहाँ से कूदेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं कूद चुका हूँ और चलो यहाँ से कूद जाते हैं। यहाँ से कूदने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ, लिफ्ट के अंदर सो के जाऊँगा। ठीक है, तो ये ड्रॉवर इसको भी खोल लेते हैं, इसको खोलने के बाद देखते हैं क्या मिलेगा। तो इसको भी खोलते हैं भाई, टैडी पड़ा है भाई, सिलेंडरना का टैडी पड़ा है, इसको भी लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करता हूँ, पहले इसको लॉक है भाई, ये ग्रैंडपा लगता है, अभी नहीं इसको खोलता हूँ जल्दी जल्दी, ऐसे करके खोलना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको खोलते हैं जल्दी से, खुल चुका है। और मैं यहाँ पे शॉटगन भी मेरा पड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ, ये छोटा सा जो हाउस है इसको खोलते हैं। ये सीढ़ी की लग चुका है और यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा। भाई यहाँ पे मुझे एन एक्सीलेटर मिल चुका है, जो कि ट्रेन का एक्सीलेटर है। तो एक्सीलेटर को अभी मैं आधी दूर पे वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, उसका शॉटगन ले लूँगा। तो ये रहा शॉटगन, इसको मैं उठा लेता हूँ, एक्सीलेटर को यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, चलो शॉटगन से मैं कांच की खिड़की तोड़ने वाला हूँ, जो कि अपना छोटा सा रूम है उसके अंदर कांच की खिड़की है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसके अंदर अंदर से जो डोर है ना वो लॉक है, तो मुझे खिड़की से कूद के जाना पड़ेगा। और रोबोट जो है ना, रोबोट को मुझे टिकट की जरूरत देना पड़ेगा, तो टिकट नहीं उस बार मैं उसको शॉटगन दूंगा। शॉटगन देने के बाद उसको मैं मारूंगा, और मारने के बाद उसके अंदर से जो चिप निकलेगी ना, डोर एलिवेटर जो होगा ना, उसको ले लूँगा। ठीक है, तो इतना काम मुझे करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अभी मैं चल रहा हूँ, इसको मारूंगा, इसको मैं शूट करता हूँ, उसके बाद ये तोड़ते हैं। एलिवेटर चिप कहाँ गया, जो रहता है जिससे ट्रेन के गेट खुलता है, ये रहा। और भाई इसको मैं ले लेता हूँ। भाई आप लोग को
पहले ये बताइए हल्के के अंदर कितना पावर रहता है, अगर ग्रीन पाई हल्के के साथ फाइट करे तो कैसा लगेगा। तो आप लोग जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हल्के और ग्रैंड पा के दोनों के साथ फाइट कराने वाला हूँ, वो भी हैंड हैंड और उसके बाद शॉटगन। हल्का अपना जो आइटम लेके आएगा भाई वो तो काफ़ी डरावना रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा, यानी काफ़ी भारी भी रहेगा। अगर ग्रैंड पा उसका तो उठा ही नहीं पाएगा एक हाथ भी। ठीक है, इसके अंदर पूछते हैं इसके शॉटगन कहाँ है। ये ग्रैंड पा का शॉटगन ही उठा उठा काम कर रहा हूँ अभी तो, पर इसको शूट कर रहा और इसके अंदर एंट्री कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखता हूँ क्या है, ये ड्रॉवर है, खोलते हैं तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है और ये स्क्रू बार है। तो इसको उठा के चलता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। तो स्क्रू बार से मुझे लकड़ी का बॉक्स तोड़ना पड़ेगा, जो कि एक ये रहा, इसको तोड़ चुका हूँ। यहाँ पे भाई जनरेटर केबल देखने को मिला है और कुछ नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं। और भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ग्रेनी और ग्रेनपा को एक साइड कर देते हैं और हल्क अकेला कर देते हैं, या हल्क और स्पाइडरमैन के साथ फाइट कराए ग्रेनी के हाउस के अंदर, या हाउस के अंदर जैसे ग्रेनी ग्रेनपा हो गया और ग्रेनी ग्रैंडपा और इधर हल्क हो गया और सुपरमैन हो गया। हल्क और सुपरमैन, ग्रेनी ग्रैंडपा और सिलेंड्रिना और डार्कुला, काफ़ी ढेर सारे सिलेंड्रिना, स्पाइडरमैन, ये सब एक साइड है। तो कौन जीतेगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और काफ़ी मज़ा आएगा। कितनी भयानक वार होगी भाई, उसमें बारिश हो रही सोने लगेगी ग्रैंडपा, अगर हल्क अपनी पावर में आ जाएगा तो, और ग्रैंडपा भी अपनी पावर में आता तो उसमें बिजली चमकने लगती है। तो ऐसी कुछ सीन होने वाला है। अगर आप लोग चाहते तो कमेंट कर दीजिए और कर दीजिए, कमेंट में यस कर दीजिए। मैं आपको जानता हूँ कि वीडियो आप लोग कह रहे होंगे बनाने के लिए। तो इस कम एक काम करता हूँ, ये ट्रेन एक्सीलेटर को मैं ट्रेन में लगा देता हूँ। ये ट्रेन का गेट खुल चुका है ना, तो अभी मैं चलता हूँ। तो अभी तो एक्सीलेटर लगाया हूँ, अब मैं इस प्लैंक को उठा के ले चलता हूँ, क्योंकि प्लैंक को भी लगाना पड़ेगा। तो प्लैंक को चल रहा हूँ लगाने के लिए, और प्लैंक को लगाने के बाद मुझे एक जगह छत टूटा है, तो इसलिए मुझे प्लैंक की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो मैं वैसे तो नहीं जा पाऊंगा। अगर हाँ मैं सुपरमैन होता तो चला जाता। एक ग्रैंडपा बुड्ढा जा रहा है, अभी ग्रैंडपा बुड्ढे से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्के सामने ग्रैंडपा बुड्ढा आराम से निकल गया है, कुछ देखा भी नहीं है। अगर देखता भी तब भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इसके सामने कुछ कर भी नहीं पाएगा। और अभी मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लग चुका है और यहाँ से आराम से चलता हूँ, और चलने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा। भाई यहाँ पर ब्रिज क्रैंक मिला है, जो कि अभी मुझे नहीं चाहिए, और मैं यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये सिलेंडर जो गुड्डा है ना, इसको उठा के लिफ्ट के अंदर फेंकना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ फेंक देता हूँ और मैं भी इसके अंदर कूद जाता हूँ, और फिर इसके बाद मैं काम कर दूँगी। ये क्रूबार है, इसको यहाँ इसके अंदर फेंक देता हूँ और ये टेडी उठा लेता हूँ हैंड में। अब मैं एक काम करता हूँ, लिफ्ट को चालू करके इसके अंदर एंट्री कर लेता हूँ, और अपना लिफ्ट जो है ऊपर ऊपर धीरे धीरे चल रहा है। अब एक काम करता हूँ, ये क्रूबार और सिलेंडरिना का जो बच्चा है उसको मैं झूले में पानी में डाल दूँगा, और ये क्रूबार से मैं लकड़ी का बॉक्स तोड़ूंगा। अब देखते हैं दोनों में से क्या आइटम बेस्ट रहेगा। तो दोनों में से कुछ अच्छा आइटम निकल गया तो पक्का हम ट्रेन स्किप कर ही जाएंगे। और वैसे तो मेरे को यकीन है आप लोग ज़रूर मुझको सपोर्ट करते होंगे, तो इसलिए मैं इसको आज गेम को स्किप भी करके दिखाऊँगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ फेंक देता हूँ, और मैं इस सिलेंडर के बच्चे को यहाँ फेंक देता हूँ। उसको फेंकने के बाद यहाँ पर सिलेंडर आ चुकी है, और सिलेंडर ना चुनने के बाद भाई ये मुझे जल्दी इसको एक की दे। अगर मैं हल्का पावर यूज़ कर दूँगा ये गेम भूकंप आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, अभी मैं हल्का पावर अभी एक बार भी नहीं, ये जो मुक्का दिख रहा हूँ ना इसको अभी मैं एक बार भी क्लिक नहीं किया हूँ। अगर आप लोग चाहते हो क्लिक करने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा पावर शक्ति आ जाएगी हल्के पास, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, हल्क को बस ऐसे ही थोड़ा रहा हूँ, बस हो गया। और पहले एक सेकंड इसको मैं सेफी को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर इसको यूज़ करने के बाद देखता हूँ क्या मिलेगा। भाई ये मुझे यहाँ पर ट्रेन की मिल चुकी है, अच्छी बात है ट्रेन की मिल चुका है। चलो मैं ट्रेन की को लगाऊंगा, और उसके बाद जो कोकोनट मिला है ना उसको भी लेके चलूंगा। तो मैं यहाँ से कूद जाता हूँ, और मुझे जो कोकोनट मिला, कहाँ गया मेरे कोकोनट भाई, ये रहा। इसको काटते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा। वैसे तो इसके अंदर कॉइन्स मिलता है, अगर कॉइन्स रहेगा तो मैं छोड़ दूंगा, अगर और कोई आइटम लेगा तो ले लूँगा। देखता हूँ क्या भाई, कॉइन्स था, कॉइन्स नहीं चाहिए मुझे। और भाई कहाँ गया, हाँ ट्रेन की कहाँ गया, ट्रेन की को उठा के ले चलते हैं। मैं कॉइन्स क्यों नहीं लिया आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि कॉइन्स से मैं ट्रेन का टिकट खरीदता हूँ। टिकट में उस रोबोट को दिया था जो शॉटगन जिससे मैं मार्क तोड़ा था, और वो फिर ट्रेन का गेट खोलेगा। तो ऑलरेडी मैं उसको मार्क ट्रेन का गेट खोल लिया हूँ, तो मुझे कॉइन्स की जरूरत ले जाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि कॉइन्स ट्रेन के टिकट खरीदने के लिए था, और गेट को कुल मिला के ट्रेन का गेट खोलने का सिस्टम था, बस हो गया। और मैं ट्रेन का गेट ऑलरेडी खोल चुका हूँ, तब कोई ज़रूरत नहीं है। और अब काम करता हूँ, देखो ट्रेन एक्सीलेटर लगा दिया, ट्रेन की लगा दिया, अब बारी है, और गेट खोल दिया। अब बारी है इलेक्ट्रिक लीवर का,
इलेक्ट्रिक लीवर, तो फटाक से मैं इलेक्ट्रिक लीवर को भी लेके आता हूँ और उसको भी लगा देता हूँ। उसको लगाने के बाद मैं यहाँ से तुरंत निकल लूँगा। तो ये मेरे हाथ में इलेक्ट्रिक लीवर है, चलो इसको भी लगा देता हूँ। इसको लगाने के बाद यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो इसको इलेक्ट्रिक लीवर लगाने से पहले मुझे यहाँ पे इसको लगा देना है। तो इसको लगाने के बाद तीनों लीवर मुझे ऊपर कर देना है। तो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। चलो फाइनली तीनों लीवर ऊपर लग गया है। मैं एक गेट को बंद कर देता हूँ, ट्रेन के गेट, और अंदर जाके ये दूसरा भी बंद कर देता हूँ। बिना गेट ट्रेन बंद किए गेट ट्रेन चली ही नहीं पाएगी। तो अभी मैं इसको भी कर देता हूँ गेट बंद, और ट्रेन को कर देता हूँ स्टार्ट। तो फाइनली मैंने ट्रेन को कर दिया हूँ स्टार्ट, और अभी मैं यहाँ से ट्रेन स्किप कर चुका हूँ। तो अभी मेरी ट्रेन पीछे जाएगी, उसके बाद मैं ग्रैंडपा को, मतलब ग्रैंडपा नहीं, बाकी वो सामने जो लोहा है उसको तोड़ के निकल जाऊँगा। और यहाँ पर ग्रैंडपा किया रह गया और कुछ नहीं कर पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई भाई वीडियो कैसा लगा, पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो में आपके लिए लेता रहूँगा। और यहाँ पे ग्रैंडपा और सिलेंडर दोनों लोग हैं। तो अगर आप हल्क और ग्रैंडपा के बीच में लड़ाई दिखना